रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता मईतुर रहमान ने प्रधानमंत्री कार्यालय साथ ही गृह मंत्रालय में एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने भारत में शरणार्थियों को लेकर एक नई नीति बनाने की मांग की है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला ने। रोहिंग्या शरणार्थी के मुद्दे पर याचिकाकर्ता जो है मतीउर रहमान, वो अब प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और उन्होंने इस मामले में गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन दिया है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। तथा आपने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय में मेमोरेंडम सौंपा है रिगार्डिंग रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में, क्या डिमांड है आपकी और क्या कहना चाहते हैं? हम असम सम्मिलित महासंघ ऑर्गेनाइजेशन का हम वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो हम असम से आए हुए हैं, रोहिंग्या जो है वो आके असम का डिफरेंट एरिया में अभी घुस गया है, तो वी आर सफरिंग अ लॉट। सो इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को हम एक मेमोरेंडम दिया है ऑन बिहाफ ऑफ असम सम्मिलित महासंघ। 8 डिमांड्स वी आर रेजिंग थ्रू आवर मेमोरेंडम। आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 तारीख को है, आप क्या मानते हैं? फैसला 3 तारीख को आना है और इसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम करने चाहिए गृह मंत्रालय को, इस बारे में आपने क्या रिक्वेस्ट किया है? हम यही रिक्वेस्ट किया है जो इंडिया का सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो अभी खबर भी मिल रहा है डिफरेंट जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका कुछ लेना देना है। तो इसलिए इंडिया का जो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का सिक्योरिटी का ये जो प्रश्न है, इसलिए जल्दी जल्द जो कितना रिफ्यूजी आया है उसका पूरा रजिस्टर करके आज ओनली 6 मंथ एंड 6 मंथ का बाद उसको यूनाइटेड नेशन का साथ इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर साइड डिस्कशन करना चाहिए। ऐसी इस तरह की जानकारी आ रही है कि इनके जो लिंक हैं वो टेरर लिंक हैं। तो अब इस मामले में उन्होंने कहा है कि सरकार को एक इस मामले में शरणार्थियों के मामले में एक नीति बनानी चाहिए। नई दिल्ली से कैमरामैन मनवीर सिंह के साथ मनीष शुक्ला, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।